और किस तरह के प्रोटेस्टा है सनलाइट प्रेजेंट होगा तो वो खुद से की तरह एक्ट करेंगे, करेंगे है ना? और जब सनलाइट एबसेंट है तो वो एज अ प्रेट्रोट्रॉप की, की तरह से एक्ट करते हैं राइट तो इनकरेक्ट बताना है इसके अंदर हमें सो दीज आर द मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर ये ठीक है वाटर मिलते हैं देर बॉडी इज कवर्ड बाई प्रोटीन रिच लेयर कॉल एज पैलिकल विच मेक्स देर बॉडी फ्लेक्सीबल ये भी ठीक है प्रेजेंट होता है, सेल वॉल नहीं होता इनके अंदर दे आर फोटो बिकम हेट्रोट्रॉप इन ऑफ सनलाइट बिल्कुल सही बताई बात मैंने मिक्सोट्रॉपिक्स होते हैं तो ये भी ठीक है. है और जो लॉन्ग होगा जो लॉन्ग होगा वो लोको मोशन में हेल्प करता है ये भी ठीक है यूक्रोनाइट सर मल्टी सेलर सिलियेट प्रोटीन बच्चे मल्टी सेलर नहीं होते हैं दे आर यूनिसेल है ना और सिलियट प्रोटीन नहीं है राइट तो यहां पर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो यहां पे यह क्या होगा फोर्थ इज रॉन्ग ऑप्शन नंबर फोर फिफ्थ ओनली इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द एलगी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज हैविंग मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास टू विच इट बिलोंग्स तो बेटा यहां पे आप देख रहे हैं फ्रॉन्ट दिया है स्टाइप दिया एंड होल्ड फास्ट दिया और है लेमिनेरिया दिज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एलगी ब्राउन एलगी है बच्चा ये राइट फीओफाइसी तो फीओ फाइसी के एग्जाम्पल्स क्या क्या है बेटा तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं सरगैजम हो गया है ना एंड डिक्ट्यूटा जो है इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस की बात करें तो फोकस फ्यूकस बच्चे ब्राउन एलगी है बट पॉलीसाइफोनिया इट इज अ रेड एलगी राइट फिर हम एक्टोकार्पस की बात करें एक्टोकार्पस की बात करें बच्चे एक्टोकार्पस तो ब्राउन एलगी है बट चारा इज ग्रीन एलगी वॉल्वक्सलोथ्रिक्स की बात करें ये भी बच्चे ग्रीन एलगी है ब्राउन एल्गी के ऑप्शन क्या क्या है सरगैज एंड ऑप्शन नंबर इज इज द द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है इन सिल्क कॉटन लीव्स आर पामेटली कंपाउंड यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन पीज लीव टेंड्रिल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू क्लाइंबिंग प्लांट बिल्कुल सही बात है बच्चे एरियल मोडिफिकेशन है ये यह लीव का द स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू रेटिकुलेट वेनेशन इज जनरली फाउंड इन मोनोकॉट बच्चे मोनोकॉट में नहीं होता है डाइकॉट में होता है और मोनोकॉट में कैसा होगा पैरेलल होगा ठीक तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट इनकरेक्ट इन अनियन एंड गार्लिक लीव आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू तो बच्चे यहां पर इनकरेक्ट कौन सा है ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है बच्चे स्क्लेराइट्स आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स पल्प्स ऑफ फ्रूट्स लाइक गोवा पियर सीड कोट्स सेल्स होते हैं एंड स्क्राइड्स आर स्फेरिकल ओवल और सिलेंड्रिकल हाईली थिकेंड सेल वॉल डेड सेल्स विथ नैरो बच्चे किसका बना होता? होता है लिग्निन का बना होगा है ना तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है बट ये इसका रीजन जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इफ बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट है बच्चे यहां पे देखिए कुछ प्लास्टिक दिए गए हैं और उसका रिस्पेक्टिव स्टोरेज मटेरियल दिया गया है है ना तो एमाइलो क्या करते हैं एमाइलो जो है बच्चे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे एलायो की बात करें तो एलायो बच्चे क्या करता है ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करते हैं है ना अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कंटेन्स कलर्ड पिगमेंट्स ओल्ड अदर देन क्लोरोफिल क्रोमो का मतलब ही होता है कलर एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है बच्चे कलरलेस पिगमेंट को ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस है ना तो कंटेन्स कलरलेस पिगमेंट्स तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर वन जो है ए टू बी फोर सी वन एंड डी थ्री इट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल हैव अ कॉमन फीचर दैट इज मॉलिकुलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम एटीन टू एट हंड्रेड डेल्टऑन येस बच्चे ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विद एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन हैज फोर टाइप्स ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड पॉलिसेक्राइड एंड एमिनो एसिड तो बच्चे यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इनसोल्यूबल फ्रैक्शंस आर पॉलीमरिक सब्सटेंस सारे के सारे पॉलीमरिक नहीं होते हैं है ना तो ये भी गलत है माइक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाजम एंड ऑर्गनिल बिकम्स एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन ये भी गलत स्टेटमेंट है है ना बच्चे तो यहां पे आपका जो ऑप्शन नंबर वन जो है इज द राइट आंसर इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट देखिए टर्मिलाइजेशन ऑफ द काजमेटा इज सीन ड्यूरिंग तो बच्चे ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं टर्मिलाइजेशन जो होता है कायजमेटा का वो आपके डाइकनेसिस स्टेज में होता है आपका प्रोफेज वन जो है इसके पांच स्टेजेस हैं प्टोटीन जाइगोटीन काटीन डिप्लोटीन एंड डायकेसिस तो जो कायजमेटा जो टर्मलाइजेशन होगा वो बच्चे कहां पे होगा डायकेनिस स्टेज में होगा तो ऑप्शन नंबर टू इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैलमिन साइकिल वेयर सी ओ टू इज यूटिलाइज फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आर यू बी पी द स्टेटमेंट इज ट्रू हमारे पास तीन चीजें होती हैं कार्बोक्सीलेशन रिडक्शन एंड रिजनरेशन एंड आर यू पी पी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा किसी एटमोस्फेयर से और इन द प्रेजेंस ऑफ रिबिस्को एन्जाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है थ्री फॉस्फोगलेस्ट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है द स्टेटमेंट इज एंड कार्बोक्सिलेशन इज कैटलाइज बाई द रिबिस्को

ठीक है तो यहाँ पे आपका जो और इसमें जो निकलेगा क्या रिलीज होगा बच्चे तो सीओ टू रिलीज होगा इथेनॉल होगा एंड एनर्जी आर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑप्शन नंबर टू इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी इन तो बच्चे किसके अंदर नहीं होता है कैस्टर एंड मेज के अंदर नहीं हो पाए है ना बाकी जो है आपका पाया जो है यहाँ पे कैस्टर में हो जाएगा मेज में हो जाएगा कैस्टर में लेकिन ये पपाया जो दिया हुआ है तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है इसकी वजह से गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर ठीक है बेटा नेक्स्ट है मेल फिफ्टी परसेंट ऑफ द स्पॉम्स रिसिव स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नोन एज एक्स बॉडी वेर एज अदर फिफ्टी परसेंट स्पॉम्स डिड नॉट रिसीव इट दिस मैथड ऑफ एक्स सेक्स डिटर्मिनेशन वॉज इट इज द एक्स 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 नॉट मैथड ठीक है बेटा रेस्ट जो एक्स एक्स वाई जो है वो ह्यूमन में होता है एंड्रोसोफिला में होगा राइट जेडजेड जेडब्ल्यू जो होगा बच्चे ये बर्ड के अंदर होगा हेप्लोडिप्लॉइडी जो होगा बच्चे ये हनी बी के अंदर होगा हनी बी के अंदर होता है तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरियर तो क्या क्या स्टेटमेंट दिया जा रहा है द स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डी एन ए विच टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोडिंग रीजन बच्चे जो स्टैंड ऑफ टेक पकड़ता है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं दैट इज अ टेम्पलेट ठीक है नॉन कोडिंग नॉन कोडिंग स्टैंड कहेंगे उसे तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ठीक है हमें क्या बताना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो ये गलत स्टेटमेंट है द एंजाइम आर एन 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 कैन कैटलाइज पॉलिमराइन ओनली इन वन डायरेक्शन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड अनयूजल न्यूक्लोटाइड मिथाइल ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द फाइव प्राइम एंड ऑफ द एच एन आर ए ड्यूरिंग कैपिंग बिल्कुल सही है बच्चे दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किसमें होता है बच्चे ये यू कैरियो में होता है कैरी ऑर्स में होगा तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास तो हमें हमारे पास टू इज राइट थ्री इज राइट एंड ड्यूरिंग टेलिंग प्रोसेस एट एन आई लेट टू टू थ्री हंड्रेड आर एडेड एट द द्री प्राइम एंड इन द इंडिपेंडेंट मैनर तो ये भी ठीक है बच्चे स्टेटमेंट तो आपका गलत कौन सा वन इज रॉन्ग बट टू थ्री एंड फोर आर करेक्ट सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर बच्चे हम एज द फॉलोइंग देखिए तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया टेक अप पीसेज ऑफ डीएनए फ्रॉम द इनवायरमेंट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर फोर यहां पे आ जाएगा ठीक है रिकोग्शन साइट क्या बच्चे इट इज अ सिक्वेंस कट बाय रेस्ट्रिक्शन एनजाइन रिकोग्निशन साइट आ जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या है तो जेल इलेक्ट्रोफोरिस जो होगा बच्चे इट इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देअर मॉलिकुलर साइज इसके साथ आ जाएगा रिकमिनेट डीएनए क्या है प्लाज्मा डीएनए दैट हैज इनकॉपरेटेड ह्यूमन डीएनए तो ये आपका इसके साथ मैच कर जाएगा तो एक अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर टू इट इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट दे रहा है कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर इन द टर्म्स ऑफ इट्स आर द देंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ एन अदर स्पीशीज बिल्कुल सही बात है बच्चे गोस प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कंपटीशन है, है ना तो ये भी ठीक है When resources are limited, the लिमिटेड competitively superior species will eventually eliminate the other species. ये भी बच्चे बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। और ये कौन सा प्रिंसिपल है बच्चे दिस इज दॉसिस कंपिटेटिव एक्सक्लूजन ठीक है तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन इनवर्टिब्रेट्स हैव मैक्सिमम ग्लोबल डाइवर्सिटी तो बच्चे आपको पता है इंसेक्ट जो है इन एवरी टेन टेन स्पीशीज सेवन आर इंसेक्ट ठीक है सो ऑप्शन नंबर टू इट इज द राइट आंसर तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी बॉटनी आई होप बेटा आप लोगों को सारे सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सो गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर थैंक यू